बजट 2018 की सबसे बड़ी हेडलाइन की बात की जाए तो वो है नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसके तहत सरकार ने देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस देने की घोषणा की है। क्या सरकार के लिए यह वादा निभाना मुमकिन है? क्विंट बजट की इस सबसे बड़ी हेडलाइन से जुड़े सबसे बड़े सवाल को डिकोड करेगा। हमारे देश में कुल 25 करोड़ परिवार हैं। इनमें से 10 करोड़ परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा, यानी बीमार पड़ने पर 5 लाख रुपए तक का खर्चा सरकार उठाएगी, हालांकि बीमारी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। स्कीम का फायदा 50 करोड़ लोगों को मिलेगा। यह संख्या अमेरिका की पूरी आबादी के करीब दोगुने के बराबर है। आइडिया के लेवल पर तो वाकई स्कीम ग्रैंड है, लेकिन असल बात है आइडिया को अमल में लाने की। उस पर कई सवाल हैं जिनका जवाब ना तो बजट भाषण में था और ना ही उसके बाद। पहला सवाल, इस स्कीम पर कितना पैसा खर्च होगा और क्या उसका इंतजाम कर दिया गया है? बजट पेपर से पता चलता है कि पिछले साल के मुकाबले हेल्थ पर बजट में 1469 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। महज 1500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी में इतना बड़ा काम। हर बीमा सुरक्षा की एक कीमत होती है। बीमा सेक्टर से जुड़े दिग्गजों का कहना है कि एक परिवार को अगर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाएगा तो उसका सालाना प्रीमियम होगा 4 से 5 हजार रुपए। तो उस हिसाब से 10 करोड़ परिवारों के लिए कुल प्रीमियम हुआ 40 से 50 हजार करोड़। लेकिन बजट में इसकी चर्चा नहीं है। लेकिन कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी सूत्रों का कहना है कि एक परिवार के लिए प्रीमियम का कॉस्ट होगा 1100 रुपए। इस हिसाब से सालाना खर्च हुआ 11 हजार करोड़, लेकिन बजट में तो इसका भी जिक्र नहीं है। ये बात भी समझ में नहीं आती कि जिस प्रोडक्ट की मौजूदा कीमत 4 से 5 हजार रुपए है, उसे सरकार 1100 रुपए में कैसे मुहैया कराएगी? दूसरा सवाल, इस स्कीम से जिन 10 करोड़ परिवारों को फायदा होना है उनका चुनाव कैसे होगा? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 7.25 करोड़ परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं, वही जिन्हें बीपीएल कहा जाता है। कुछ राज्यों का तो ये हाल है कि वहां बीपीएल फैमिली का चुनाव ही ठीक से नहीं हो पाया है, तो फिर किस तरीके से बेनिफिशियरी का चुनाव होगा? तीसरा सवाल, स्कीम पर होने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार देगी या फिर राज्य सरकारों का भी हिस्सा होगा? क्या फायदा लेने वाले परिवार को भी प्रीमियम का थोड़ा हिस्सा देना होगा? हमें जवाब का इंतजार है। चौथा सवाल, पुरानी योजनाओं का क्या होगा? साल 2008 में एक स्कीम आई थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके तहत गरीब परिवार को सालाना 30 हजार रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है। नामी मैगजीन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली यानी EPW के मुताबिक 2014-15 तक इस स्कीम से 3 करोड़ 30 लाख परिवार जुड़े थे। 2016 में सालाना कवरेज की सीमा 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रीमियम का रेट हर जिले में अलग अलग है। इसका 75% हिस्सा केंद्र सरकार देती है और बाकी 25% राज्य सरकार। EPW की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम से परिवारों पर आर्थिक बोझ कम नहीं हुआ। वजह ये कि चंद खुशकिस्मतों को हॉस्पिटल के खर्चे तो मिल जाते हैं, लेकिन टेस्ट और दवाई के पैसे अलग से देने होते हैं जो उन्हें सरकार से नहीं मिलता। मतलब स्कीम को लागू करने में बड़ा लोचा है। इतने अनसुलझे पहलू, इसके बावजूद स्कीम को गेम चेंजर बताया जा रहा है। पुरानी कहावत है, जो रोगी को भाए वैद्य वही फरमाए, या यूं कहें कि जो वोटर को भाए नेता वही फरमाए। अरुण जेटली जी 50 करोड़ लोगों के इंश्योरेंस के बहाने ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। अब चुनावी साल है, नेता तो बड़े बड़े वादे करेंगे ही। वैसे बीमा तब मिलता है जब कोई बीमार पड़ता है, और बीमार पड़ना ही क्यों, सुबह उठिए, योगा करिए और काम पर चलिए।